मेरी आपसे गुजारिश है, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबा दें। धन्यवाद। खलीकोट। नाम में ही किसी राजा या दुर्ग होने का परिचय देता हुआ शहर, उड़ीसा राज्य के गंजाम जिले का एक सुनहरा गौरवमयी अतीत से भरा शहर खलीकोट। इस टाउन में आप पाएंगे राजा के बनाए गए महल, स्कूल्स और बहुत कुछ। ये टाउन बरमपुर शहर से लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर है और बालूगांव से करीब 27 किलोमीटर की दूरी पर। खलीकोट में वो हर छोटे बड़े ऑफिस मौजूद हैं जो वहाँ के आवाम के लिए सुख सुविधाओं को मुहैया कराते हैं और खलीकोट को एक मुकम्मल टाउन बनाने में मदद करते हैं। शहर काफी साफ, सुंदर और सुसज्जित है। इसके लिए मैं वहां के प्रशासन को धन्यवाद देना चाहता हूं। लोग भी काफी प्यारे हैं और मिलनसार भी। टाउन के बीचों बीच पब्लिक लाइब्रेरी का होना यह तय करता है कि लोग कितने जागरूक हैं, चाहे वो पढ़ाई के प्रति हो या फिर सोसाइटी के प्रति। मैं अपने आप को काफी खुशकिस्मत महसूस कर रहा हूँ कि मेरा जन्म उड़ीसा जैसे एक ऐतिहासिक राज्य में हुआ है जो लगातार विकास की ओर अग्रसर है। आजकल गंजाम जिले के हर टाउन में अच्छे से अच्छे मेडिकल की सुविधा उपलब्ध है और उतने ही अच्छे डॉक्टर्स भी। लोग भी पहले के मुकाबले आजकल अपनी सेहत का खास ख्याल रखते हैं। खलीकोट के मुख्य आकर्षणों में से एक आकर्षण है यहाँ का आर्ट कॉलेज, जो किसी जमाने में राजा का महल हुआ करता था। आज ये आर्ट कॉलेज उड़ीसा का गौरव है। यहाँ पर जो लोग शिक्षा के लिए आते हैं उनकी अद्भुत प्रतिभा शायद ही आप में होगी ना मुझ में है। यकीन मानिए, ये कॉलेज एक साथ न जाने कितने कलाकारों के सपनों को पंख लगाता हुआ आ रहा है। खलीकोट में कॉलेज और स्कूल्स की कोई कमी नहीं। हर 200 मीटर पे आपको कोई ना कोई स्कूल मिल ही जाएंगे। स्कूल भी इतने अच्छे कि क्या कहने। Thank you.
हलीकोट में एक बहुत पुरानी मस्जिद है। मंदिरों के बारे में कहने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है, एक से बढ़कर एक शानदार आलीशान। आप कभी यहाँ आए तो जरूर दर्शन के लिए अवश्य जाएं। अगर आप खलीकोट में हैं और पुरी के बाद उड़ीसा का दूसरा सबसे बड़ा जगन्नाथ मंदिर के दर्शन नहीं किए तो आपकी खलीकोट की यात्रा अधूरी है। एक भव्य मंदिर जो कि किसी के कल्पनाओं से परे है, ये मंदिर देखते ही बनता है। लोग मंदिर के दर्शन के साथ साथ मंदिर की परिक्रमा भी करते हैं। मंदिर टाउन के बीचों बीच है। आपका मन कितना भी उदास क्यों ना हो, इस मंदिर की शिल्पकला को देखकर आपका दिल बाग बाग हो जाएगा। का स्ट्रीट फूड काफी मशहूर है। हर 10 किलोमीटर की दूरी पर टेस्ट डिफरेंट होता है। जो खाने पीने के शौकीन हैं, उन्हें तो बस बहाना चाहिए। और यकीन जानिए, उड़ीसा का स्ट्रीट फूड का कोई जवाब नहीं। एक तो काफी इकोनॉमिकल होता है और साथ में लाजवाब स्वाद। शाम ढलने को थी और मुझे अपने घर गोपालपुर वापस जो जाना था। मैंने अपनी ओर से कोशिश की आपको खलीकोट की थोड़ी सी झलक दिखा दूं। पता नहीं कितना कामयाब हुआ हूं। मुझे मुश्ताक शरीफ को इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे किसी रोज़। अलविदा दोस्तों। जाते जाते मैं ये कहना चाहता हूं, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए। इसी बहाने हमारे खलीकोट को कुछ लोग जान पाएंगे और हमारा पुराना गौरवमय अतीत वापस आ पाएगा। खलीकोट से 2 किलोमीटर की दूरी पर एक शानदार पिकनिक स्पॉट है जिसका नाम है निर्मला झरो। मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाया है, अगर आपके पास वक्त हो तो उसे ज़रूर देखें और यहाँ अवश्य आएँ।